हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, जो हमारा मिशन है चल रहा है अभी एनटीपीसी के लिए, उसका ये पार्ट फोर है, जहाँ पे हम डेली 30 प्रश्नों को कवर करते हैं। और यहाँ पे हम कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न कवर करते हैं, तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चार सब्जेक्ट से प्रश्न को कवर किया जाता है यहाँ पर। साथ में स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर्स होता है। और ये पूरा वीडियो हमारा हिंदी में होता है। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, बहुत बच्चों को नहीं पता है ये। तो आपको गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है, इस तरह का इसका लोगो है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो भी इसकी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर लीजिए। और उसके बाद आपको वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट नाम का चैनल सर्च करना है और उसमें ज्वाइन होना है। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे, वो सिर्फ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नाम से है। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0 के नाम से हमारा चैनल नहीं है। हमारा जो मेन चैनल है वो है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नाम से। जितने भी आपके वीडियो बनते हैं उनके सबके भी यहाँ पीडीएफ फाइल आपको यहीं पर मिलेंगे। तो आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को ही ज्वाइन करें। आगे देखते हैं, और आगे हमारा स्टार्ट होता है प्रश्न। और उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, आपको मैं प्रश्न बोलते समय कुछ समय के बाद उत्तर बताऊंगा, और जो आपको सही उत्तर पता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अपने, और उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको यहाँ पे सही उत्तर बता दूंगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, और लास्ट में अपना टोटल मार्क्स भी लिखना है कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने अंक प्राप्त किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा कौन सी है? तो हम पहले संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट का नाम जान लेते हैं। उनका नाम है खलीफा बिन जैद अल नहयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यहाँ पर देख सकते हैं खलीफा बिन जैद अल नहयान के यहाँ पर तस्वीर है। तो आई होप अभी तक आपने उत्तर इसका सही दे दिया होगा। तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। अभी जो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है उसका नाम है दिरहम, और जो बात है वो थाईलैंड की मुद्रा है, और जो जलोटी है ये पोलैंड की मुद्रा है, और नगुलतरम जो है ये हमारा जो भूटान है पड़ोसी देश उसकी मुद्रा है। इसे याद रखिए। आगे हम देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात को मैप में। यहाँ आप देखिए वर्ल्ड का मैप है ये, और यहाँ पे हमारा भारत यहाँ देख सकते हैं, और भारत के बिल्कुल ये ईस्ट में पड़ता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे यूएई है, और आगे हम देखेंगे इसको जूम्ड मैप में। यहाँ पे देखिए, सॉरी ईस्ट में नहीं, वेस्ट में पड़ता है। ईस्ट तो इस साइड हो गया, वेस्ट में पड़ता है यहाँ पे यूएई। आगे हम देखते हैं इसको जूम्ड मैप में। यहाँ पे देखिए यूएई है ये, और ये अपने कौन कौन से देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पे देखिए ओमान और सऊदी अरबिया है, दो देशों के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, और साथ में इसके कतर के साथ भी छोटी सी बाउंड्री लगती है। कतर जिसकी राजधानी दोहा है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है, और यहाँ पे देख सकते हैं पर्शियन गल्फ है, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल संधि, इसे भी याद रखिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। उससे पहले मैं आपके जो ऑप्शन हैं उसे बता देता हूँ। 14 नवंबर जो है इस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस, याद रखिए 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। 29 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिस दिन हमारे जो पितामह हैं देश के पिता माना जाता है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस होता है 2 अक्टूबर को। और 23 अक्टूबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, उस दिन जन्म दिवस किसका होता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, याद रखिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो इन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैच्यू है जो कि जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वह 182 मीटर, और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट आइलैंड पे है, याद रखिए साधु बेट वहाँ पे एक आइलैंड है, उसी पे ये जो प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो है। और हाल ही में अहमदाबाद में गुजरात के में वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, तो इसे भी ध्यान रखिए। और केंद्र सरकार ने हाल ही में पटेल जी के नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार देने की घोषणा किया है, इसे भी जरूर याद रखिए। और 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, तो उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और बारडोली सत्याग्रह के तहत ही इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, याद रखिए वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं और ओडीआई और टेस्ट में नंबर 1 बल्लेबाज हैं, इनका जरूर याद रखिए नाम। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, इसका स्थापना हुआ था 1909 में, मुख्यालय दुबई में है यानी यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसके भी चेयरमैन है शशांक मनोहर जो कि एक भारतीय हैं, सीईओ हैं मनु सहनी, ये भी भारतीय ही हैं। और यहाँ का मोटो क्या आईसीसी का? तो क्रिकेट फॉर गुड, इन सबको याद रखिए। आगे हम देख लेते हैं जो भी आईसीसी के अवार्ड अभी मिले हैं सभी अवार्ड्स को। यहाँ पे देखिए
बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है रोहित शर्मा को, जो कि भारत के क्रिकेटर हैं। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, वो मिला है पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का खिताब मिला है किसे, वो मिला है दीपक चहर को, जो कि जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लिया था, याद रखिए। एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है, ये मिला है मार्नस लाबुशाने को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। एंड एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है काइल कोटजर को, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड मिला है विराट कोहली को, इन सबको आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस तरह की वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को स्वाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको जो भी वीडियो अच्छा लगता है उसे शेयर जरूर करें ग्रुप में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो आपका इसको सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक मैं कुछ और आपको बता देता हूँ यहाँ पे। 24 जनवरी 1950 इस दिन हमने मनाया, क्या किसको अपनाया था, तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इन दोनों को हमने कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 में। और अगर राष्ट्रीय गीत की बात की जाए वंदे मातरम की, तो उसको किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, तो वहीं से लिया गया था वंदे मातरम को। और यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, तो इसे कब अपनाया था हमने, यह हमने अपनाया था 22 जुलाई 1947 में। इसका सही उत्तर क्या हो गया, 22 जुलाई 1947। और आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते रहिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस शहर को भगवत गीता की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो भगवत गीता की भूमि के बारे में पूछा जा रहा है कि किस शहर को जाना जाता है। उससे पहले हम जानेंगे हरिद्वार के बारे में, हरिद्वार को देव भूमि के नाम से जाना जाता है और इसे ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, याद रखिए। और यहाँ पर भगवत गीता की बात हो रही है, तो भगवत गीता के जो लेखक है उनका रचयिता कौन है, वो है वेद व्यास। और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी गीता का अनावरण नई दिल्ली में किया गया था जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा। और इसकी जो वजन है कितना है, 800 किलोग्राम इसका वजन है, याद रखिए, जो कि नई दिल्ली में सबसे विश्व का सबसे बड़ा गीता, और इसमें लगभग 670 पेजेस हैं, इसे भी याद रखिए। तो इसका सही उत्तर आपको मैं बताता हूँ, भगवद गीता की भूमि कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, याद रखिए। कुरुक्षेत्र वही है जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था, इसे भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, और कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्मारक स्तूप कुषाण राजा कनिष्क द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्थापित की गई थी, तो कुषाण राजा जो थे कनिष्क, उनके द्वारा जो स्तूप बनाया गया था दूसरी शताब्दी में, उससे पूछा जा रहा है, तो स्तूप कौन सा है, वो है पेशावर का स्तूप, याद रखिए, इसे कनिष्क स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। और पेशावर कहाँ पे है, तो पेशावर जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जो है उस प्रांत में है, याद रखिए, पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वहीं पे पेशावर लोकेटेड है, वहीं पे है ये। और अगर सांची स्तूप की बात की जाए, तो सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है, जिसे मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे अशोक, उन्होंने बनाया था, याद रखिए। और अगर रामभर की बात की जाए, तो रामभर जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है, इसे भी सम्राट अशोक ने बनाया था। और अगर बात की जाए केसरिया की, तो केसरिया जो है ये बिहार के चंपारण में, इसे भी अशोक ने बनाया था, जरूर याद रखिए। अशोक का नाम मुगल वंश के राजा थे ये, इन सबका जो स्तूप है इन सबको इन्होंने बनाया था, सिर्फ यहाँ पे पेशावर को छोड़ के, पेशावर को किसने बनाया था, कनिष्क ने बनवाया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी, तो आपको इसका सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। भगत सिंह जी की बात की जाए, तो भगत सिंह जो फांसी इनको जब दिया जा रहा था, तब एक आखिरी बार किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, किसकी जीवनी पढ़ रहे थे, वो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो जो भगत सिंह जी थे लास्ट में, ये फांसी में चढ़ने से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, याद रखिए, ये भी महान क्रांतिकारी थे लेनिन, तो उनकी जीवनी पढ़ रहे थे ये। और भगत सिंह जी को जब इन तीनों को फांसी दी गई थी, तो इनका जो समय था उसे एक दिन पहले इन सबको फांसी दे गया था, और इन्हें जो अंग्रेज थे वो सतलज नदी के किनारे जो इनका शव था उन्हें फेंक कर चले गए थे, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है सतलज नदी से रिलेटेड, याद रखिए। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ भगत सिंह जी को फांसी कब दिया गया था, तो दिया गया था 23 मार्च 1931 में। और यहाँ पे तीन लोगों को इनके साथ दो लोग और थे जो इनके दोस्त थे, यहाँ पे सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु जो थे और भगत सिंह जी, इन तीनों को एक साथ फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो भीमबेटका की बात की जा रही है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में, याद रखिए। और महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं, तो महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, वो भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बोर्रा और बेलम की गुफाएं हैं, तो इन सबको आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए यहाँ पे चार भाई थे, एक तो था उनका नाम था सिद्धू, दूसरे थे कानू और एक और थे चांद, और चौथे जो थे उनका नाम था भैरव। तो इन चारों ने यहाँ पे नेतृत्व किया था, तो आपके ऑप्शन में सिर्फ दो नाम दिए गए हैं, उनका नाम है सिंधु और कानू, याद रखिए। और चार भाइयों में से दो को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, सिंधु और कानू जी को, और जो अन्य दो भाई थे चांद और भैरव, उन दोनों को अंग्रेज के द्वारा गोली मार दी गई थी। और इन्होंने संथाल कम्युनिटी के लिए काफी अच्छी लड़ाई की थी यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय, अभी हमारे रेलवे मंत्री कौन है, उनका नाम है पीयूष गोयल, और ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। रेलवे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो भारत के गुजरात में, याद रखिए गुजरात के वडोदरा जो जिला है वहाँ पर है, और गुजरात में भारत का पहला डायनासोर म्यूजियम है महीसागर जिले में, और हाल ही में गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की बात की गई है, और हाल ही में जो महाराष्ट्र का मुंबई है और जो गुजरात का अहमदाबाद है उसके बीच में हमारे भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन चली है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, याद रखिए महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन चली है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे? तो पांचवें प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर बताना है, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री वो है नरेंद्र मोदी जी, और ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री है, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। और पांचवा प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है तो इनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी, और इनका जन्मदिवस होता है 23 दिसंबर को, याद रखिए जिस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। अन्य ऑप्शन में देख लें तो राजीव गांधी जो है ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह जो है ये 7वें प्रधानमंत्री थे, और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये 2वें प्रधानमंत्री थे, जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई थी आपको पता होगा। और जो चारों जो है ये उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री थे भारत के, याद रखिए उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, इन सबको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो यह 52वां संशोधन, याद रखिए 52वां संशोधन की बात हो रही है यहाँ पे, और एंटी डिफेक्शन एक्ट की बात हो रही है। और 52वां जो संशोधन था ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1985 में, जरूर याद रखिए 1985। और 42वां संशोधन की बात की जाए तो जिसे हम कहते हैं लघु संविधान भारत का, याद रखिए जिसे 1976 में पास किया गया था। और 73वां जो संशोधन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। और यहाँ पे 74वां जो संशोधन है ये म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड है, इसे भी याद रखिए। और एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या हुआ था आपको पता होगा, जैसे पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि ये बार बार अपनी पार्टीज बदलते रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिससे कि पार्टी छोड़कर भागने की प्रथा पर काबू पाया जा सके। और एक और ये लाया क्यों गया था, क्योंकि एक हरियाणा के विधायक थे गाया लाल जी, उन्होंने एक दिन में 3 पार्टियां बदली थी, इसीलिए ये लॉ यहाँ पे एक्ट लाना पड़ा, याद रखिए। और इसके तहत क्या किया गया था, यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, इसे आप याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, पंचवर्षीय योजना जो था ये कहाँ से हमने लिया था? तो लिया गया था रूस से, रशिया से, याद रखिए। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक इसकी अवधि थी, वो थी 1951 और 1956 के बीच में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि विकास करना, इसका कृषि को विकास की तरह बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है, तो उसकी अवधि थी 2002 से 2007 के बीच में, जरूर याद रखिए। और 2002 जो 2007 के बीच में जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस योजना में लगभग 8% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में हम यहाँ पे 7.2% ही वृद्धि दर हासिल कर पाए थे, तो याद रखिए। और आखिरी अगर पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो वो 2017 में इसे समाप्त कर दिया गया, याद रखिए 2017 से मोदी गवर्नमेंट जो है 5 वर्षीय योजना लाना बंद कर दिया है। आगे देखते अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे, तो असहयोग आंदोलन जो था ये शुरुआत हुआ था इसका 1920 में, याद रखिए। एंड असहयोग आंदोलन के नाम से आपको एक और बात याद रखना है, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब चौरी चौरा जो एक नामक स्थान है वहाँ पर आंदोलनकारियों ने एक थाने में 21 सिपाहियों को जलाकर मार दिया था, और उसी के लिए जो असहयोग आंदोलन है यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसे महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था, इसे याद रखिए।
1917 में क्या हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कहाँ पे, बिहार में। 1919 में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था आपको पता है, अमृतसर में। 1930 में किया गया था गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च, इन सबको आप याद रखिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा प्रश्न है इब, ओंग और हसदेव किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये जो सब्जी जो है ये महानदी की सहायक नदियां हैं, याद रखिए इब, ओंग और हसदेव किसकी सहायक नदी है, महानदी। और महानदी पर जो है वो हीराकुंड डैम है जो कि भारत की सबसे लंबी डैम है, याद रखिए। और जो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो है डंडा करने छत्तीसगढ़ से। और अपनी पानी कहाँ पे गिराती है, वो गिराती है बे ऑफ बंगाल में, इसे भी जरूर याद रखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरह की नदियाँ होती है, एक तो होती है ट्रिब्यूटरी और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जो नदी होती है, जो सहायक नदियाँ होती है, वो अपना पानी लाकर किसी मुख्य नदी में मिलाती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो अपना पानी लेकर यहाँ से दूसरी दिशा में बह जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी का आपको अगर ऑप्शन मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल, तो जैसे आपको हुगली नदी पता होगा वो गंगा नदी से अलग होकर बहती है, याद रखिए गंगा नदी का ही पार्ट है वो, लेकिन उसके अलग एक बहाव क्षेत्र है, तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। और जैसे कि जो सहायक नदी है, जैसे मान लो यमुना है, वो आकर गंगा नदी में मिल जाती है, तो उसे कहेंगे ट्रिब्यूटरी, याद रखिए। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, तो ब्रह्मपुत्र के यहाँ पे देख सकते हैं सहायक नदियाँ हैं वो है दिबांग और यहाँ पे मानस है, याद रखिए। तिस्ता भी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र जो है उसे बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए महानदी की लोकेशन, ये देख सकते हैं महानदी। और महानदी जो है दो राज्यों में बहता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः, और अपना पानी कहाँ पे गिराता है, वो बे ऑफ बंगाल में गिराता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे गवर्नर कौन थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दूसरा गवर्नर आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम था जेम्स ब्रैड टेलर, और इनकी मृत्यु जो थी इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, इसे भी याद रखिए। और आपसे पूछा जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम है ऑस्बोर्नो स्मिथ। और आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख जो थे ये पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। और ऑस्बोर्नो जो स्मिथ थे ये कहाँ थे, ये ब्रिटेन के थे, इन सबको आप याद रखिए। और जो रजनीश कुमार है वो भी एसबीआई के चेयरमैन है। आगे हम जानेंगे आरबीआई के बारे में डिटेल में, यहाँ पे आइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय शिफ्ट किया गया, कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में, मुख्यालय अभी कहाँ पे, वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है आरबीआई के, और 4 डिप्टी गवर्नर है यहाँ पे, एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, एमके जैन, और हाल ही में एक नए डिप्टी गवर्नर यहाँ नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है माइकल पात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में किसने सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। तो आपका आप इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूतियों के बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देना है। इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 में, और लेकिन 30 जनवरी 1992 में इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। अध्यक्ष इसके अभी अजय त्यागी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, वो है मुंबई और महाराष्ट्र में, मुंबई के महाराष्ट्र में। और सेबी के यहाँ का आपसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, कार्यकारी निदेशक, तो इसका सही उत्तर है जी बबीता रायडू, हाल ही में बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न है इनमें से किसने टाइम्स पत्रिका को खरीदा है। तो टाइम्स पत्रिका जो है ये अमेरिका की साप्ताहिक मैगजीन है, याद रखिए। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में टाइम्स पत्रिका की, और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे ब्रिटन हेडन और एक थे हेनरी ल्यूक, तो इन दोनों ने मिलकर इसका स्थापना किया था टाइम्स मैगजीन का, और साप्ताहिक मैगजीन है ये अमेरिका की। और इसे खरीदा है किसने, तो इनका नाम है मार्क बेनियोफ, और मार्क बेनियोफ जो है ये सेल्स फोर्स के सह संस्थापक हैं, याद रखिए सेल्स फोर्स जो है उसके सह संस्थापक हैं। और जो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इस पर घोषित किया गया तो वो कौन है, वो है ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की हैं, इनका नाम जरूर याद रखिए। इन्हें 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 2018 में किसे किया गया था, 2018 में जमाल खशोगी को किया गया था जो कि सऊदी अरबिया के पत्रकार थे, लेकिन वो अमेरिका के नागरिक उनको प्राप्त हो गई थी और अमेरिका तरफ से काम करते थे, लेकिन सऊदी अरबिया के द्वारा उन्हें मार दिया गया था। तो जमाल खशोगी को 2018 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था, और 2019 में ग्रेटा थनबर्ग को टाइम्स पत्रिका को खरीदा, किसने खरीदा, उनका नाम है मार्क बेनियोफ। बिल गेट्स एक इसके संस्थापक है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। जेफ बेजोस जो है अमेजन के संस्थापक हैं, और इलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स के संस्थापक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है बॉलीवुड द फिल्म्स द सॉन्ग्स द स्टार्स
पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये पुस्तक संबंधित है अमिताभ बच्चन जी से। अमिताभ बच्चन जो कि काफ़ी मशहूर एक्टर हैं बॉलीवुड के, और इन्हें हाल ही में 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, इसे जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र के साथ नहीं लगती है? तो ये राज्य है केरल, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, केरल की बात हो रही है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, याद रखिए। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ पे तस्वीर देखिए। यहाँ के उप मुख्यमंत्री है अनिल पवार, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। आगे हम इसका उत्तर देखेंगे, पहले मैप देख लेते हैं। यहाँ देखिए महाराष्ट्र, ये कौन कौन सा राज्य था इसकी सीमा बनती है, यहाँ पे देखिए छोटा सा राज्य गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, यह तेलंगाना, यह छत्तीसगढ़, ऊपर में मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया, लेकिन केरला की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, केरला काफी दूर है, इसलिए इसकी सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न, बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो बंडारू जो दत्तात्रेय हैं ये राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के, याद रखिए। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है फागू चौहान। केरल के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है तथागत रॉय। यहाँ पे देखिए बंडारू दत्तात्रेय की तस्वीर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न देखेंगे, अभी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो अभी अहमद अली की बात हो रही है यहाँ पे, उनसे पहले हम पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेख हसीना। और संयुक्त अरब अमीरात के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन मखदूम, जिसे हमने पहले प्रश्न में डिस्कस कर लिया। और अभी अहमद कहाँ के हैं प्रधानमंत्री? यह इथियोपिया के, जिन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। यहाँ पे देखिए अभी अहमद जी की तस्वीर। और इथियोपिया की बात की जाए तो इथियोपिया की जो राजधानी है वो है एडिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी क्या है? मुद्रा, वो है ब्रिर, इसे याद रखिए, ब्रिर यहाँ की करेंसी है। आगे हम देखेंगे इथियोपिया की लोकेशन, ये देखिए इथियोपिया जो कि यूरोपीय देश है एक, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लोकेशन। और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते हैं उसमें इथियोपिया भी आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है? यहाँ पे देखिए जो सिंह की तरह निकला हुआ है, हॉर्न मतलब क्या होता है? सिंह, आप जानते होंगे उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो सिंह की तरह यहाँ पे निकला हुआ है, इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार देश आते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ याद रखना है सीड से, एस डबल ई डी, एस से हो गया सोमालिया, ई से हो गया इथियोपिया, ई से हो गया एट्रिया, और यहाँ से डी से हो गया जिबूती। इन सबको याद रखिए। गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड सी, और यहाँ पे बगल में है अरेबियन सी, और आगे यहाँ पे इधर आएंगे तो हमारा भारत होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है इनमें से सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो उनसे पहले हम जानेंगे एसएस देसवाल के बारे में, जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हैं। और यहाँ पे एपी माहेश्वरी जो है, एपी माहेश्वरी जो हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, और विवेक कुमार जौहरी जो है ये बीएसएफ के महानिदेशक है। और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है अभी? तो उनका नाम है कुमार राजेश चंद्रा, यहाँ पे इनकी तस्वीर देख सकते हैं। आगे हम एसएसबी के बारे में जानेंगे डिटेल में। यहाँ देखिए एसएसबी का पुराना नाम है सशस्त्र सीमा बल, इसका स्थापना हुआ था 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, महानिदेशक है कुमार राजेश चंद्रा। और मंत्री इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो है अमित शाह जी, जो ये गृह मंत्री हैं। आदर्श वाक्य क्या है इसका? तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। मोटो इंग्लिश में बात किया है तो सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और मातृ संस्था कौन है इसकी? वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और सशस्त्र सीमा बल भारत का एक अर्धसैनिक बल है, जिस पर भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? वो है डॉल्फिन। और इसे अपनाया कब गया? तो इसे अपनाया गया था 18 मई 2010 में, इसे भी याद रखिए। और डॉल्फिन जो है ये मछली नहीं है, याद रखिए, मैमल है यानी स्तनधारी जीव है ये, कौन? डॉल्फिन। और जो अगर मछलियों की बात की जाए तो मछलियाँ जो हैं वो अपने उनका जो गलफड़ा होता है उनसे वो सांस लेते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन है अपने फेफड़ों से सांस लेती है, तो इसलिए मछली नहीं है, मैमल है यानी स्तनधारी जीव है। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो ये पड़ेगा बिहार के पटना में, याद रखिए। हाल ही में पटना में अरुण जेटली की एक प्रतिमा भी बनाई गई थी, इसे भी ध्यान दीजिए। मुंबई की बात हो रही है, मुंबई में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट बना है। मथुरा की बात हो रही है यहाँ पे, तो पहला एलिफेंट मेमोरियल बना है यहाँ पे। कोलकाता में बात हो रही है, तो कोलकाता जो कि हुगली नदी किनारे है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन यहाँ पे चलेगी हुगली नदी में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो एक तरफ आपको दिए है देश के नाम, और एक तरफ यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम दिए हैं, तो यहाँ पे बताना है। तो म्यांमार के जो राष्ट्रपति है वो है विन मिंट, सही है ये।
मालदीव के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है इब्राहिम सोली, ये भी सही है। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अब्दुल हामिद, ये भी सही है। लेकिन जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम गुलजार अहमद नहीं है, उनका नाम है आरिफ अलवी, याद रखिए आरिफ अलवी वहाँ के प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति हैं। और गुलजार अहमद जो है हाल ही में वहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं, इसे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए, कौन से राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में, तो आपको बताना है यहाँ पे। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान वो है असम में, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो इसको है ओडिशा में नहीं है, ये है मेघालय में, याद रखिए। ओडिशा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो है सिम्पलीपाल और दूसरी है भितरकनिका। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे मणिपुर में है और मणिपुर के लोकटक झील में ये, और विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसका सही उत्तर क्या हो गया, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, यह मेघालय में उड़ीसा में नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ आपको देश का नाम और दूसरी तरफ राजधानी का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे यमन जिसकी राजधानी है सना, कतर जिसकी राजधानी है दोहा, इराक जिसकी राजधानी है बगदाद, ये तीनों सही है। लेकिन जॉर्डन जो है इसकी राजधानी ओमान नहीं है, क्योंकि ओमान एक खुद देश है जहाँ की राजधानी मस्कट है। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, याद रखिए यहाँ की राजधानी क्या है, अम्मान है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे आपको बैंक्स के नाम दिए हुए हैं और साथ में मुख्यालय दिया हुआ है, तो आपको बताना है सही सुमिलित कौन नहीं है। तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। RBI का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में ही। बंधन बैंक जिसका मुख्यालय कोलकाता में ही है। लेकिन अलाहाबाद बैंक जो है इसका मुख्यालय वो प्रयागराज में नहीं है, वो कोलकाता में है। इसका सही उत्तर हो गया फोर्थ। और यहाँ पे इनके हम अगर टैगलाइन की बात की जाए तो जो बंधन बैंक का टैगलाइन है उसका है आपका भला आपकी भलाई, सॉरी आपका भला सबकी भलाई बंधन बैंक। और अगर बात की जाए अलाहाबाद की तो इसका जो टैगलाइन है वो है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। अगर बात की जाए SBI की तो SBI का जो टैगलाइन है वो है द बैंकर टू एवरी इंडियन, यानी हर भारतीय का बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है, तो मानव ठक्कर को आपको बताना है। और ये मानव ठक्कर जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है, याद रखिए। और टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, ये चीन का राष्ट्रीय खेल। और मानव ठक्कर अभी काफ़ी न्यूज में क्यों चल रहे थे, क्योंकि जो मेन्स सिंगल होता है Under-20 आयु वर्ग का, उसमें इन्होंने नंबर वन स्थान हासिल किया है पूरे विश्व में। और ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई थी, तो जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसके द्वारा ये जारी किया गया था। तो मानव ठक्कर नंबर वन कहाँ पे भाई, Under-21 में। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है प्रियम गर्ग किस खेल से संबंधित है, तो प्रियम गर्ग जो है इसको आप बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताइए। और हाल ही में अपना जो ICC Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है, वो साउथ अफ्रीका में चल रहा है, याद रखिए 2020 का Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। और प्रियम गर्ग जो है ये क्रिकेट से संबंधित है और भारतीय टीम के Under-19 के अभी कैप्टन यही है, तो इनका नाम जरूर याद रखिए। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है, आपको बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा और कितने प्रश्न यहाँ पे सही हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।